गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म करो ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। हेलो। यस सर। ठीक है जी। मैंने आप लोगों के साथ अपने लास्ट लेक्चर में एनपीओ स्टार्ट किया था। एनपीओ स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने, और एनपीओ में कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे कि आप लोगों ने इसका आंसर 20,500 आया आपका कि नहीं। आंसर आ गया सर, बस एक बार चेक करवा देना। सर फोर्थ का तो मेरे ख्याल से ठीक ही होगा, मैं फिफ्थ और सिक्स्थ आपको एक बार चेक कराता हूँ। सर फोर्थ भी करा दो एक बार। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी देख लीजिए फिर। इन 2009 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाज रुपीज 21,000। 2009 में आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो सब्सक्रिप्शन है 21,000 का सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड रुपीज 300 फॉर 2008 का इंक्लूड है इसमें। 300 2008 आपका प्रीवियस ईयर है क्योंकि करंट ईयर आपका 2009 है। एंड 400 आपको रिसीव हुआ फॉर 2010 यानी नेक्स्ट ईयर के लिए। ऑन 31 दिसंबर 2009 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर रुपीज 500। 31 दिसंबर 2009 का यानी करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ वो है 500। फिर कहता है द कोरस्पोंडिंग अमाउंट। कोरस्पोंडिंग अमाउंट का मतलब है जिस अमाउंट की मैं ऊपर बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था ऊपर? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड की। यानी ऐसे ही जैसे ऊपर आउटस्टैंडिंग हमने देखा फॉर करंट ईयर, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग 1 जनवरी 2009 को यानी आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना है? 600 रुपए। वट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2009। ठीक है जी। आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आगे बढ़ते हम लोग। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ यानी 21,000, वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चला गया। बाय आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर,
एडवांस फॉर करंट ईयर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो क्या क्या गिवन है आपको। कहता है सब्सक्रिप्शन में 300 तो 2008 का है, और जबकि 2008 का जो आउटस्टैंडिंग है वो 600 रुपए है, और 400 आपको मिला 2010 का, तो 400 जो 2010 का है वो तो आपने यहां लिख दिया। अब 31 दिसंबर 2009 को सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो है 500 आपने यहां लिख दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट पिछले साल का दिया हुआ है 600, वो आपने यहां लिख दिया, ये आपको गिवन नहीं है। 21,500 माइनस 1,000 20,500 आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो जरा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, इससे मुझे क्वेश्चन याद आया। 2008 का मिला 300, 2010 का मिला 400, टोटल मिला 21,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2009 500, आउटस्टैंडिंग फॉर 2008 ₹600। सॉल्व करना जरा, बस इतनी इंफॉर्मेशन की बने आपको। 2009 का तो आप बैलेंस निकाल ही लोगे, 4 और 3 700, 20,300 आपका बैलेंस आ गया। ये तो सॉल्व करना जरा एक बार। सर 19,800। एक बार करने दो सर सबको, फिर बताता हूँ। कितना है भाई, कोई पूछना है आपसे मुझे? 20,800। हाँ सर 20,800। इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है, पता लगा आपको? नहीं सर, ये आउटस्टैंडिंग का डिफरेंस है शायद। आउटस्टैंडिंग का डिफरेंस है, बिल्कुल। जब आप यहां पे लिखेंगे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो टोटल आएगा 21,000 जो आपको मिला था,
एडवांस फॉर करंट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं चलती, 400 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। जब आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस करंट ईयर लिखोगे तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कैसे आएगा, देखो 2009 का है 500, पिछले साल का 600 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 300 मिल गया, तो 300 पिछले साल का बकाया चलेगा, 800 आएगा। टू आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना आएगा, 600 आएगा, तो बिल्कुल 20,800 आएगा। दोनों क्वेश्चंस में फर्क देख लो क्या आ रहा है, और दोनों क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में क्या था। जब ये वाला क्वेश्चन था ना आपके पास, इसमें आपको ये बोला गया ऑन 31 दिसंबर 2009 सब्सक्रिप्शन ड्यू है, तो अगर डेट के अकॉर्डिंग ड्यू होगा तो उसमें पिछले साल का भी अगर कोई बकाया चल रहा है तो वो इंक्लूड मान लिया जाता है। इसीलिए इस वाले में मैंने पिछले साल का इंक्लूड नहीं किया, उसमें इंक्लूड मान लिया। जैसे पिछले साल था ड्यू 600, उसमें से मिला था 300, तो सही मायनों में तो अभी प्रीवियस ईयर का 300 और मिलना पेंडिंग है, कैरी होगा। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में उसको इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि ये डेट वाइज है तो वो उसमें इंक्लूड मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका डेट वाइज नहीं था, आखिरी डेट है इसलिए। हाँ आखिरी डेट है, क्लोजिंग डेट है। अगर एज जोन पर गिवन है तो एज जोन पर उसमें प्रीवियस ईयर का इंक्लूड मान लिया जाता है, लेकिन अगर फॉर द ईयर गिवन है तो फिर वो एक पर्टिकुलर ईयर का है और पिछले साल का आपको एड ऑन करके उसको करंट ईयर का बनाना पड़ेगा। बताओ किसी को डाउट हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। कोई डाउट नहीं खुशदीप सर, बस क्लियर हो गया, यही था, मैंने देखा नहीं कि एज ऑन है या ये सही बताया हुआ है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, एज ऑन और फॉर आपने 12th में भी पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट हो जाता है। सर अगर एज ऑन डेट हो तो मतलब इंक्लूडेड है, अगर ना हो तो इंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ सर, इफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज गिवन एज ऑन 2009, या मैं कहता हूं एज ऑन 31 दिसंबर 2009, या फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। अगर एज ऑन गिवन है पेंडिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इज इंक्लूडेड इन गिवन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो वो ऑलरेडी गिवन है, वी हैव टू ऐड पेंडिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर इन गिवन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नोट लिख लो और इसको लिख लो एक बार। संडे टेस्ट है आप लोगों का, बताया था मैंने पहले भी, रेक्टिफिकेशन। अभी आपने टेस्ट लिया उसका जो भेज रहा उसकी सही एंट्रीज भी भेज दो ना, पता कैसे चलेगा क्या गलती। मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा एक बार, और एक पेपर पे मैंने सही एंट्रीज लिखी हुई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पहले मैं भी डिस्कस कर लूंगा, तो लास्ट के 15 मिनट्स में मैं एक बार डिस्कस करूंगा,
फिर आपके साथ शेयर करूंगा। एंड संडे को टेस्ट होगा हमारा रेक्टिफिकेशन प्लस कंसाइनमेंट का। स्पीड पे भी ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है। ये नोट हो जाए तो मुझे बता देना। सर अब थोड़ा सा नीचे कर दो जी। खुशदीप? हाँ जी सर। हरियाणा में कहाँ रहते हो भाई? अनम्यूट करते हो तो पीछे से मोर बोलते हैं। कैसे सर? अनम्यूट करते हो तो पीछे से मोर बोलते हैं, पिकॉक। हेलो आवाज नहीं आ रही सर, एक मिनट। हाँ जी सर, अब बताइए। मैं कह रहा हूँ जब अनम्यूट करते हो ना आप, हाँ जी, तो पीछे से मोर मोर भी बोलते हैं। मोरों का भी डाउट होता है कुछ, पिकॉक का। अच्छा कहाँ रहते हो हरियाणा में, कहाँ पे? सर, इन सिरसा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बढ़िया यार। दिल्ली में तो मोर वोरा बचे नहीं, सब खत्म हो गए। हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। हो गया सर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों के साथ किया था, मतलब आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी इंक्लूडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन फॉर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, दिस टोटल कितना हो गया? 47,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2007, ये क्या है, प्रीवियस या करंट? दोनों। दोनों नहीं, मतलब 31 मार्च 2007 आपकी कौन सी डेट है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। उस दिन आउटस्टैंडिंग था 3500, आउट ऑफ विच ₹500 वर कंसीडर्ड टू बी इररिकवरेबल, और उसमें से ₹500 आपको लगता है कि हम मिलेंगे ही नहीं, तो वो तो सर इग्नोर ही कर दो, वो तो इररिकवरेबल हो गया। यानी कहीं ना कहीं मेरा जो आउटस्टैंडिंग चलेगा वो कितना चलेगा? 3000 चलेगा। ऑन द सेम डेट, उसी डेट पर 31 मार्च 2007 की बात कर रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का बैलेंस था 3000। तो ऑन द सेम डेट, उसी डेट पे ये बैलेंस है 3000 2007-2008 का, क्या कहलाएगा ये? एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008 अमाउंटेड टू ₹6,000, और 31 मार्च 2008 को आपका जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 6000 है। सर इसमें जो लिखा है, मतलब अगर ऊपर अगर आउटस्टैंडिंग मतलब ऊपर वैल्यू अलग होती तो इसमें ये जुड़ा हुआ मानते कि नहीं मानते? मैं समझा नहीं थोड़ा सा, वैल्यू कौन सी अलग होती? मतलब ये ऊपर जो आउटस्टैंडिंग की वैल्यू है वो तो पूरी मिली गई है ना, 6000 पूरी मिल गई है। अगर 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 वो अलग होती तो ये 6000 में उसको जुड़ा हुआ मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते। एक सेकंड रुको, आप ये कह रहे हो कि ये 3000 है, ऊपर क्या वैल्यू होती? मान लो अगर ऊपर 2000 होती, आप ये कह रहे हो? हाँ, तो जो ₹1000 है वो इसमें 6000 में इंक्लूड मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ वो तो इंक्लूड ही मानते हैं, वो ना गया ना। तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, यहाँ पर आपने 47,000 लिखा होगा,
इधर आपने 4000 लिखा, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 6000, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 3000, बस कितना आंसर आ गया? 46000 आपका आंसर आ गया। इस 500 को इग्नोर किया गया, इसका कोई यूज नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन, टोटल सर एक सेकंड ऊपर करो ना प्लीज। हाँ सर कर दीजिए। टोटल आपको मिला 3900। There are 800 members each paying annual subscription of rupees 6. There are 800 members each paying annual subscription of rupees 6. Rupees 400 are still in arrear for 2007. पूरा कर लेना इसको। करा ये वाला क्वेश्चन? हाँ जी सर किया है। ठीक है जी, अब देखो क्या आपने ठीक किया है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट by receipt and payment account, outstanding for current year, advance for previous year, outstanding for previous year, advance for current year. Total जो आपको receive हुआ वो था 3900। टोटल जो आपको रिसीव हुआ वो था 3900। नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है? सबसे पहले मैं इसको उठा के लिखता हूँ, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। 600, फिर कहता है 800 मेंबर, हर बंदा 6 रुपए पे करता है, इतना मिलना चाहिए था। रिसीव कितना हुआ आपको? सिर्फ 3000। 1800 तो इसका आउटस्टैंडिंग चल रहा है, ठीक है, स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल का आपको कितना मिला? पिछले साल का 300 मिला, और ये 300 मिलने के बावजूद भी 400 स्टिल एरियर, स्टिल मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 300 मिला उसके बाद भी 400 आउटस्टैंडिंग है, तो 400 जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो मैंने यहां पर लिखा 18,400, 2,200 मेरा स्टिल आउटस्टैंडिंग आ गया। और एक सेकंड रुकिए प्लीज। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना दिखाऊंगा मैं? 700 दिखाऊंगा। 300 मिला उसके बाद भी 400 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल कितना रहा होगा? 700 रहा होगा। अब आप इधर का अगर टोटल करते हो 6100 माइनस 7 और 6 1300, 4800। आप बताइए करना क्या कह रहे हैं आप? सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए। जी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको एक बार, और क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी बता रहा हूँ। 400 या 400 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे चल जाए यार, स्टिल एरियर ये है इंपॉर्टेंट, स्टिल एरियर। पिछले साल का 400 रुपए अभी भी बाकी है, ये नहीं कह रहा कि पिछले साल 400 बाकी था, नहीं, पिछले साल का 400 अभी भी बाकी है, स्टिल एरियर। तो इसका मतलब पिछले साल टोटल बाकी कितना था, आउटस्टैंडिंग कितना था? 700।
तो 700 में से 300 आपको मिल गया, 400 अभी भी बाकी है। ये 2200 जो आंसर दिया हुआ है ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का दिया हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए, कोई डाउट मुझे लग नहीं रहा आपको है, अगर है तो पूछ लीजिए। सर रिसीव तो हमें 3900 हुआ है ना? हाँ जी, यहाँ के लिए कह रहे हो आप? यस सर। नहीं बच्चे, 3900 में 300 रुपए तो पिछले साल का है और 600 रुपए अगले साल का है। इस साल का कितना है? इस साल का तो 3000 ही है, और जबकि हर साल आपके पास 800 मेंबर 6 रुपए के हिसाब से 4800 मिलना चाहिए, बट इस साल का कितना मिला है? 3000। ठीक है, ओके सर। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। हर्षित? हाँ सर। चाल चाल है भाई इंदौर में, सब ठीक है? हाँ सर। गर्मी बहुत है, कम है? नहीं सर, बारिश हो रही है यार। उधर बारिश हो रही है? दिल्ली भेजो यार, मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। आ जाएगी सर। पता नहीं, एक तो हमारा वेदर फोरकास्ट वाले जो है ना, हर दिन बोल देते हैं अगले 5 दिन में मानसून आएगा, फिर 5 दिन बाद कह देते हैं नहीं अभी और 5 दिन लगेंगे। अब ये मैंने आपके साथ ना दो टॉपिक किए बच्चे, एक सब्सक्रिप्शन का किया और एक किया हमने कंजम्पशन का। ठीक है, अच्छा मैंने आपको पहले भी एक बार ये चीज बताई थी कि मेरे YouTube चैनल पे CA फाउंडेशन की रिवीजन वीडियोस चलती रहती हैं, तो अभी उसमें मैंने शायद कंसाइनमेंट रिवाइज करा चुका हूँ, वो वीडियोस वहीं है YouTube पे। तो जैसे आपका कल टेस्ट है या परसों टेस्ट होगा, तो आप उससे पहले अगर कंसाइनमेंट की रिविजन देखनी हो, हालांकि आपके खुद के पास भी वीडियोज है, बट अगर रिविजन के तौर पर भी देखना हो तो आप वहां पर भी देख सकते हो, तो वहां पर सारा रिविजन आएगा धीरे धीरे करके। अभी शायद कंसाइनमेंट हो चुका होगा, फाइनल अकाउंट हो चुका होगा, एनपीओ हो चुका है, पार्टनरशिप चल रहा है, तो उसका भी अपना फायदा उठाना पूरा। अब हमारे पास ना कंसेप्ट चेंज होता है और मैं आपके साथ एक कंसेप्ट और डिस्कस करता हूं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? आपने कोई फंड सेटअप किया, आपने एक फंड सेटअप किया किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, आपने एक फंड सेटअप किया। मैं आपको ऐसा दिखाता हूं, फंड एस्टेब्लिश्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, आप ना एक सेकंड देना मेरे को उसका बैटरी चेंज करना पड़ेगा, बैटरी शायद दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड। आपने एक फंड एस्टेब्लिश किया किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए,
ये पर्पस कुछ भी हो सकता है, आपको कोई टूर्नामेंट कराना है, आपने उसके लिए फंड एस्टेब्लिश किया, आपको वो टूर्नामेंट करा रहे हैं, आपको उसके लिए फंड एस्टेब्लिश किया। अगर आपको डोनेशन मिलती है फॉर सेम पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने फंड किया है, तो वो डोनेशन भी जाकर उसी फंड में ऐड हो जाएगी, वो डोनेशन भी जाकर उसी फंड में ऐड हो जाएगी। आपने कुछ भी खर्चा किया, एक्सपेंडिचर ऑन पर्पस, जैसे आपने टूर्नामेंट कराना था तो आपने टूर्नामेंट के लिए खर्चा किया, तो वो उसी फंड से माइनस होगा, वो उसी फंड से माइनस होगा। आपको अगर इनकम होती है उसी पर्पस पे कुछ भी, तो वो जाकर उसी में ऐड हो जाएगी, उसी फंड में ऐड हो जाएगी। डन। अब ये जो फंड फंड में चिल्ला रहा हूं ना, ये फंड मेरा नजर आ रहा होगा कहां पर, लायबिलिटी में। ये फंड मेरा नजर आ रहा होगा कहां पर, लायबिलिटी में। लायबिलिटी में ये फंड मेरा नजर आ रहा होगा। जितना पैसा मुझे इकट्ठा हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक टूर्नामेंट के लिए आप सब लोगों से सबसे हमने पैसा इकट्ठा किया कि ये टूर्नामेंट कराया जाएगा, आपने कहा बहुत बढ़िया बात है सर, क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा, मजा आएगा। मैंने आप लोगों से पैसा इकट्ठा किया, टूर्नामेंट कराने की बात हुई, मान के चलते अगस्त में, अगस्त में होगा। अगस्त में क्या हुआ, सडनली मानसून लेट आया, बहुत बारिश हुई, मैंने कहा यार अभी नहीं हो पाएगा। सितंबर में भी बारिश रही, अक्टूबर में मैंने कहा यार ठंड काफी आ गई है, खिलाड़ियों को चोट लग जाएगी, अक्टूबर में भी नहीं हुआ। नवंबर में मैंने बोला यार सीए फाउंडेशन वालों के पेपर है, उन पे ध्यान देना थोड़ा ज्यादा, तब भी नहीं हुआ। दिसंबर भी निकल गया, जनवरी भी निकल गया, मैं टूर्नामेंट करा के राजी नहीं हो रहा। मैंने पैसा तो ले लिया आप लोगों से, मैं टूर्नामेंट नहीं करा रहा। मैंने कहा यार लगता है टूर्नामेंट में टाइम लगेगा, एक दो साल लग जाएंगे, एक काम करता हूँ कि जो पैसा मेरे पास इकट्ठा हुआ है ना, वो पैसा मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ। फंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन मार्केट, तो उसे कहा जाएगा फंड इन्वेस्टमेंट। और ये आपका नजर आएगा कहां पर, एसेट साइड। जो पैसा मुझे इकट्ठा हुआ वो मैंने अपने पास नहीं रखा, उस पैसे को उठाकर मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अगर मैं उस पैसे को उठाकर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं तो वो कहलाएगा फंड इन्वेस्टमेंट। उस फंड इन्वेस्टमेंट पे मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो भी जाके उसी फंड में ऐड हो जाएगा, वो भी जाके उसी फंड में ऐड हो जाएगा। अगर कुछ इंटरेस्ट एक्रूड है, एक तो क्या है इंटरेस्ट रिसीव, एक होता है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, यानी इंटरेस्ट एक्रू हुआ है अभी मिला नहीं है, तो वो आपका एसेट भी बनेगा क्योंकि एक्रूड है, और साथ ही साथ जाके फंड में ऐड हो जाएगा। यानी जो भी फंड से रिलेटेड आइटम्स होंगे वो सब किस में एडजस्ट होंगे, फंड में ही एडजस्ट होंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और कहीं नहीं जाते। ये आपका फाइनल बैलेंस आएगा फंड का। हाँ जी, आया कुछ समझ, थोड़ा आपने पहले भी पढ़ा होगा। हाँ या ना तो करो। हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है जी, नोट करो फटाफट फिर एक बार।
लिख लिया सर। ठीक है जी, अब मेरे पास एक बार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना एक बार। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब, शो दीज आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। आपको इन आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है एंड क्लब की बैलेंस शीट में शो करना है, जहां नजर आएगा वहां शो करना है। ठीक है जी, ठीक है। आंसर नंबर 13, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अलावा आज काम नहीं कर रहा है ढंग से। आप करना एक बार उसको ट्राई इतने। लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। अब आपको दिया हुआ है सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड कहां पर आएगा, आपकी लाइबिलिटी का पार्ट है 35,000। फिर आपको दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 35,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड 4,000। अभी आपको इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ, आप इसी में ऐड करेंगे उसको 4,000। इनकम नहीं बनेगा। डबल इफेक्ट क्या हुआ होगा, एक तो कैश रिसीव हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, दूसरा आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 15,000, अगेन आप लाइबिलिटी को इंक्रीज करोगे। इसके बाद डोनेशन के बाद स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, तो इस पे खर्चा हुआ होगा 10,000 का, स्पोर्ट्स 10,000 का खर्चा हुआ। एक्सपेंसेस हुए दोबारा से 4,000,
माइनस होगा जनरल फंड, ये यही खत्म हो गया। जनरल फंड भी है तो आपका फंड ही, एक लायबिलिटी किसी के लिए बनाया होगा आपने 80,000। फिर कहता है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, एट्टी थाउजेंड ये कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आपकी इनकम बनेगी। बिल्कुल ठीक, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8,000 नोट कीजिए। क्या कह रहे हैं, एक बार कंफर्म करो आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, वो पावर कट हो गया था, शुक्र है वापिस आ गया। चलो तो आप नोट कर रहे थे शायद, हो गया क्या? यस सर। ठीक है जी, अब मैं इसी में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग एक बार, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपके लिए क्वेश्चंस ओपन करता हूँ ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 15 नजर आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 15 नजर आ रहा होगा आपको। शो हाउ आर फॉलोइंग आइटम डील विद व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 ऑफ अ एनपीओ। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज रुपीज 6 लाख, 6 लाख रुपए आपने पेविलियन को कंस्ट्रक्ट करने पे खर्च कर दिया है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज येट टू बी कंप्लीटेड, और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कैपिटल फंड कितना है आपके पास? 2 लाख। तो बैलेंस शीट 20 लाख, सॉरी 20 लाख है क्या, इनफो वो गलत है, बस है 20 लाख। कैपिटल फंड 20 लाख आ जाएगा आपके पास लाइबिलिटी में, और पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस आपका एक एसेट आ जाएगा 6 लाख का एसेट साइड, दो चीजें आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, ये कैपिटल फंड था आपके पास 20 लाख,
पेविलियन इन प्रोग्रेस कितना हो गया? 6 लाख एसेट साइड, ये आपका एसेट है सर। एसेट क्यों आया ये सर? क्योंकि मेरा एक कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है। पेविलियन मतलब एक टाइप का बिल्डिंग, तो मेरा एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है सर। भाई यहाँ पर कहीं पर कोई कैपिटल फंड तो था नहीं, मतलब पेविलियन फंड तो था नहीं, तो आपका जो भी खर्चा हुआ वो खर्चा हुआ होगा और एसेट में चला गया होगा। अब नेक्स्ट केस में कहता है एक्सपेंडिचर जो आपका पेविलियन पे हुआ वो 6 लाख, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज यट नॉट टू बी कंप्लीटेड, और अब आ रहा है पेविलियन फंड है आपके पास 10 लाख। पहले से आपके पास पेविलियन फंड है 10 लाख और कैपिटल फंड है 20 लाख। अब देखो क्या फर्क आएगा। कैपिटल फंड जो है 20 लाख, उसमें जो 6 लाख वर्क इन प्रोग्रेस है वो ऐड हो जाएगा, और जो आपका पेविलियन फंड था 10 लाख, उसमें से 6 लाख माइनस हो जाएगा और 6 लाख आपका वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा। नहीं आया ना समझ? इफ कैपिटल एसेट इज क्रिएटेड फ्रॉम फंड, अगर आप फंड से कोई कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहे हो, अगर आप फंड से कोई कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहे हो तो क्या होगा? ये आपकी बैलेंस शीट, इधर आपका नजर आ रहा है कैपिटल फंड, जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरा नजर आ रहा था 20 लाख। नीचे जो आप कैपिटल एसेट बना रहे हो उसके लिए भी आपने फंड बनाया हुआ है 10 लाख। अब जितना पैसा आपका खत्म हो गया, यानी 6 लाख हमारा यहां से यूज हो गया, 6 लाख हमारा यहां से यूज हो गया और वो WIP है, अभी बना नहीं है, बन रहा है, तो उतनी का ही आप एसेट भी क्रिएट करोगे पेविलियन WIP, और उतने से ही आप अपनी कैपिटल भी इंक्रीज करोगे। सर मैंने 6 लाख खर्च किए, मैंने 6 लाख खर्च किए पेविलियन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, पेविलियन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, और साथ ही साथ मेरा एक एसेट क्रिएट होगा, और ये कब होगा? जब आपका कोई कैपिटल एसेट बन रहा है फंड से। याद रहेगा ये पॉइंट, अगर फंड बेस्ड से आता है तो यही क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ये ध्यान रखना। सर मतलब अगर कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ भी बन रहा है जो मतलब हमारे लिए आगे जाकर अपनी एसेट क्रिएट हो रही है तो वो ऐड ही होगा? हाँ जी सर, वो यहाँ पर, यहाँ से माइनस होगा, यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पे एसेट क्रिएट होगा। देखो एक्सपेंडिचर जो हुआ वो 6 लाख हुआ, कंस्ट्रक्शन WIP नॉट येट कंप्लीटेड, पेविलियन फंड 10 लाख, कैपिटल फंड 20 लाख, आपको और डोनेशन रिसीव हुई 5 लाख। तो कैपिटल फंड 20 लाख था, 6 लाख आपका जो WIP बना वो आ गया, पहले से आपका जो ये था ये 10 लाख था पेविलियन फंड, 5 लाख डोनेशन मिली, 6 लाख माइनस हो गया और 6 लाख आपका WIP बन गया। बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? यस सर। सर जो ये जो 6 लाख है वो कैपिटल फंड में क्यों प्लस हो रहा है? क्योंकि हमारी एक तरीके से जब कैपिटल एसेट इंक्रीज होता है तो वो साथ के साथ इंपैक्ट करता है हमारी कैपिटल फंड पे भी, हमारी कैपिटल पर भी। तो जैसे जैसे कैपिटल एसेट आपका क्रिएट होगा वैसे वैसे वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। पर फंड नहीं है तो ऐड ही नहीं होगा। अगर फंड ही नहीं है तो फिर वो आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर हो गया ना, फिर तो आपका बैंक कम हुआ और आपका एसेट क्रिएट हो गया बस। लेकिन अगर फंड है तो दो इंपैक्ट नए आ जाएंगे, फंड खत्म होगा और कैपिटल फंड ऐड होगा। क्लियर है ज्योति? यस सर। सर ये वाली बुक भी ग्रुप में भेजी हुई है? सर ये वाली बुक अभी ग्रुप में नहीं भेजी हुई है, ये
आपको मिलेगी, ये मान लो मैं शायद कोशिश लगा हुआ है, मैंने बच्चा लगाया हुआ है टाइपिंग पे स्टाफ, तो विद इन अ मंथ आपके पास एक दूसरी बुक आ जाएगी जिसमें ये सारे क्वेश्चंस भी होंगे एडिशनल को फॉर्म में। ओके सर, ये वाली बुक रिप्लेस हो जाएगी, ये वाली बुक को जो करा रहा हूँ उसको रिप्लेस कर देंगे, ये वाले क्वेश्चन तो एज इट इज रहेंगे, मतलब हटेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन, और जितने भी हम अलग से करा रहे हैं ये सब एडिशनल में आ जाएंगे। अब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, अरे ये क्या हो गया, अरे ये भाई कहाँ से ठीक हो गया, ये क्या हुआ ये? सर ज़ूम कर ले बस। आप कुछ मत करो, हम ही ज़ूम कर लेते हैं सर। नहीं सर, हाँ हो गया हो गया, नहीं मेरे को फिर नजर ही नहीं आ रहा था ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, एक बार क्वेश्चन नंबर 18 करो। ये कुछ नहीं है, ये इसका टोटल है सर। क्वेश्चन दो दिखा दो नीचे करके। सर इसमें एरियर्स लिखा है तो एरियर्स, प्लस करें। एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। अरे मतलब वो आपने ऊपर बताया था ना कि अगर ऐसा हो तो मतलब ये ही नहीं मिला है। 1800 वन एरियर फॉर द ईयर, हाँ तो ये पहले से जो 1800 थे उस 1800 में से 1600 मिल गए। 5800 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अब आप देख लो क्योंकि यहाँ पे तो आंसर ये दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन कितना इनकम में आएगा। सब्सक्रिप्शन में तो आ जाएगा। हो गया किसी का? एक मिनट सर। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे किया होगा कि भाई 450 मेंबर्स हैं, हर बंदा अगर 200 देगा तो 90,000 आपको मिलना चाहिए, बट उसमें से 84,400 आपको पहले ही मिल चुका है, 50,600 प्लस 1800 आपको मिलना था पिछले साल, उसमें से 1600 मिला तो 200 वो प्लस हो गया, तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो गया 5800। ये आया 89,200, 5800, 3200 एंड 1800। यही किया भाई? यस सर। ठीक है सबका सर जी।
कहीं पर कहीं कई क्वेश्चंस में तो आपने टोटल लिए कि टोटल इतने मिलने चाहिए थे, ठीक है, और कई कई क्वेश्चन में आप ले लेते कि जैसे 89 200 है तो ये ले लिया। सर यहाँ पर तो मैंने हमेशा यही फिगर ली है, यहाँ पर तो मैंने किसी क्वेश्चन में कभी भी कोई फिगर नहीं चेंज की। सर आपने तो पढ़ा था एरियर्स लिखा हुआ होता है, प्लस करना पड़ता है। स्टिल इन एरियर्स, स्टिल वर्ड कहाँ है, स्टिल इन एरियर्स होगा तो क्वेश्चन पूछ के जब मैं जवाब दे देता हूँ तो हाँ ना कर दिया करो बच्चे। हाँ हाँ सर, इससे पहले भी किसी ने पूछा था कुछ। ठीक है सर, मुझे पता चल गया मेरी गलती थोड़ी सी। हाँ, अच्छे से देखो, अच्छे से पूछो, दो तरीके से आपकी पढ़ाई होती है। एक तो ये कि अगर आप यहाँ चुप बैठे हो, कोई परेशानी नहीं लेना चाह रहे, तो आपको परेशानी होगी एग्जामिनेशन हॉल में, और वो परेशानी ज्यादा भारी पड़ेगी। एक अटेम्प्ट सीए बनते ही सैलरी कम से कम भी 50-60 हज़ार रुपये होती है। एक अटेम्प्ट अगर फेल होते हैं तो 6 महीने, 6 महीने इंटू 50-60 हज़ार, लगभग 3.5-3 लाख रुपए का नुकसान है। तो ध्यान रखना, जितने डाउट हो कुछ भी हो पूछ लिया करो। तो ये सबको हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है, ट्राई करो, अभी यही ट्राई करेंगे हम आज, अभी एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे हम लोग, बड़े स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने इसी ये वर्ड वाली फाइल में से मैंने पिछले बार भी कराए थे कुछ क्वेश्चन, तो कोई इनका क्वेश्चन नंबर लिखता है कि कौन सा है ये? 19 लिखते हो सर? नहीं, यहाँ तो लिखा है, क्योंकि मैं इसे भी बंद करूंगा तो मुझे याद नहीं रहता बुक में डालने के लिए। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। नाइनटीन करेंगे। आंसर आ गया? हाँ सर। सर एक मिनट कर लेने दो।
खुशदीप हो जाए तो बता देना भाई। सर हो गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो टोटल जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो 409,000 है। 5,000 जो है वो प्रीवियस ईयर का है। $10,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। तो करंट ईयर का कितना हो गया? 18,000। अरे वो मैंने आउटस्टैंडिंग बता दिया, सॉरी। शायद 394 ही होगा। यस सर, 394। ये तो कहानी यहाँ तक की हो गई। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 वर दिस ये आउटस्टैंडिंग होगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31st इज दिस, तो ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो गया। और ये ऑफ द ईयर है, एज ऑन नहीं है, ये ऑफ द ईयर है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ये था, उसमें से 5,000 मिला तो 3,000 इसमें ऐड हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। वाइल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, यानी पिछले साल आपको ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। तो कितना कितना लिखा आपने? 409 यहाँ लिखा होगा, 18,000 यहाँ लिखा होगा। नहीं, 18 नहीं आएगा ना फिर यहाँ, या 18 आएगा? 18,000 ही आएगा जी। 18 आपका ये आ गया, 10,000, 5,000। सर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में 15,000 नहीं आएगा? ओपनिंग बैलेंस तो सर उसका 15,000 भी है। नहीं, एट द एंड है। ठीक है सॉरी, 15 आएगा। मुझे लगा ये ऑफ द ईयर है। नहीं, एट द एंड ऑफ द ईयर है, मैं एंड पढ़ना भूल गया। मतलब उसमें पिछले वाला इंक्लूड है ना फिर, इसका मतलब। कोई डाउट किसी को? नो सर। सर आप प्लीज इससे ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लो, मेरे को समझ नहीं आया। 18 आप बताओ। yes, भाई क्या नहीं समझ आया, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। सर टोटल सब्सक्रिप्शन 89,200 है जी। आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन जो कि रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर है वो 1600 है। रिसीव्ड फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर? यस सर। सर आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 1800 था, उस 1800 में से 1600 आपको मिला। हाँ जी। तो 200 अभी भी पेंडिंग है। यस सर। ठीक है, तो पिछले साल का तो आप आउटस्टैंडिंग कितना लिखते हैं? जितना होता है, यानी 1800। सर जितना मिलता है वो नहीं लिखते? नहीं नहीं सर, जो ड्यू होता है बिगिनिंग का वो लिखते हैं सर टोटल में। ओके सर। इसके बाद हम देखते हैं 450 मेंबर, हर बंदा 200 रुपए दे रहा है, तो करंट ईयर का रिसीवेबल कितना है? 90। बट करंट ईयर में रिसीव्ड कितना हुआ? 84,400। हाँ जी। तो कितना ड्यू अभी भी है करंट ईयर वाला? 5,600। और सर 200 जो प्रीवियस का है वो ऐड कर दिया, वो ऐड करा तो 5,800 आ गया। ठीक है, तो मतलब जब हम आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का देखते हैं जो फुल अमाउंट है वो देखते हैं, ये नहीं देखते कि रिसीव्ड कितना हुआ है। नहीं सर, जो रिसीव्ड कितना हुआ है वो देखते हैं इस वाले को निकालने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। 20 ट्राई करेंगे। 20
सर हो गया। ठीक है हो गया सर। 20 हो गया सबका? सबका हो गया? यस सर। अच्छा ये नीचे का यूज ही नहीं हुआ होगा ना इसका। एक अप्रैल 2020 आपका ओपनिंग का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना? 10,000 तो प्लस हो गया। 3,00,000 क्रॉस भी लगा दिया तो मैंने तो ऐसे ही किया था, गलत है क्या? एक सेकंड। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेल्स टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2020 का सब्सक्रिप्शन इन एरिया डेट वाइज दिया हुआ है ना, तो एज ऑन दिया हुआ है तो वो तो उसी में इंक्लूड माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर कितना है? 25। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर 30,000। इधर आ जाऊंगा तो 50 and 70। अब देखो कितना आ रहा है। ठीक तो है, ठीक है ये, आ गया। ये नहीं इंक्लूड हो रहा ना सर, नीचे स्टिल इन एरर्स लिखा है। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये जो डेट्स हैं ये क्या आ गई अब? ये एक तरीके से एज ऑन हो गया ना। एज ऑन में तो अगर ये आपको एरियर दिया हुआ है तो इसमें प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी ये 10,000 तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि ये डेट वाइज है। अगर ये दिया होता फॉर द ईयर तो फिर आप उसको ऐड करते। नहीं सर, ये तो ऊपर वाले में इंक्लूडेड नहीं है 1 अप्रैल 2020 में, क्योंकि ये 2019 सर दोनों में इंक्लूड है ना। उसमें भी प्लस कर दिया। क्या कर दिया? प्लस कर दिया और आंसर भी आ गया। तो आपने दोनों में प्लस कर दिया होगा ना फिर? हाँ हाँ, तो जब एक ही चीज को आप दोनों जगह करोगे तो आंसर को तो इम्पैक्ट आएगा नहीं। आपने डेबिट में भी उतना कर दिया, क्रेडिट में भी उतना कर दिया, बट लॉजिकली आपको उस पॉइंट को पकड़ के चलना है। बच्चे जो मैंने बताया था, अगर एज ऑन है तो वो इंक्लूड है, आपको फिर नहीं छेड़ना पड़ता। ओके सर। किसी को कोई डाउट? सर आप ना मुझे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेज दोगे? एक्चुअली मेरी स्पीड भी बहुत कम है और मुझसे हो भी कम ही रही है। कोई बात नहीं, मैं आज ही शेयर कर दूंगा ये, मैं पूरा एनपीओ का शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप में। इसमें आंसर्स भी है सबके, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि वैसे भी जो बुक आएगी उसमें ये पूरा का पूरा आना ही आना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है सारे के, बहुत सारे क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चंस ये भी आएंगे, जितने पास्ट ईयर आ चुके हैं वो भी आएंगे, बहुत आएगा। चलो तो अभी मैं इसको यहीं बंद कर रहा हूँ एक बार को। आप इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, सब्सक्रिप्शन फंड बेस्ड और कंजम्पशन की, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं मंडे को आपसे मिलूं तो मैं अच्छे से आपके बड़े क्वेश्चंस को टैकल कर पाऊं। अब मैं आप लोगों के साथ एक बार वो जो टेस्ट था उसको डिस्कस कर रहा हूं कि कहां आप लोगों ने गड़बड़ करी है। सर एक सेकंड रुक जाओ ना प्लीज, मेरा आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं लीव करके ज्वाइन कर दूं। ठीक है ठीक है।
करें शुरू। देखो अब आपके पास एक क्वेश्चन था, आपके पास आपके पेपर से, आप उसको देख लेना। मिस्टर जोशी ट्रायल बैलेंस आपको गिवन था 31 मार्च, डिड नॉट एग्री। डिफरेंस वाज पुट टू अ सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग नेक्स्ट ट्रेडिंग, फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर। अब कोई भी एंट्री उठाओगे आप इसमें, जैसे टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज इज दिस वाज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज दिस, तो परचेज बुक आपकी एक पेज पे इतनी थी, नेक्स्ट पेज पे इतनी थी, यानी परचेज बुक आपकी ज्यादा है। तो परचेज बुक ज्यादा है तो परचेज बुक को आपको कम करना था, तो आपको नीचे लिखना था टू परचेज। लेकिन आप नीचे टू परचेज नहीं लिखोगे क्योंकि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर में काम कर रहे हो, तो इसलिए क्या यूज होना था, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आप में से बहुत लोगों ने यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज ही नहीं करा है, पहले क्वेश्चन में तो मोस्टली गलती यही हुई है आप लोगों की। जब उसने बोल दिया कि डिफरेंस जो है वो पुट हो चुका है सस्पेंस अकाउंट में, तो सस्पेंस अकाउंट तो बन चुका है सर, अब तो नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में आ गए ना, अब तो आपको आगे उसमें पीएनएल एडजस्टमेंट से करना है। तो इस क्वेश्चन में तो मोस्टली यही चलना था। सर सेकंड एंट्री बताओ ना उसकी। मैं क्या करके सारी एंट्री कराऊं आपको? नहीं नहीं बस सेकंड बता दो। मैं आपके साथ ना, देखो ये मैंने खुशदीप का पेपर था तो ये चेक किया था, इसमें जहां गलती आए वहां पे मैंने ठीक लिखी है, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी सेकंड आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां जहां वो मैं आपको ये दूंगा पेपर, तो उसमें सारी ठीक वाली भी लिखी हुई है। अब आप कह रहे हो सर सेकंड वाली एक बार इसकी बता दीजिए, ठीक है आ जाओ। अ रिटर्न टू सॉरी अ सेल ऑफ रुपीज 281 वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 821, तो 281 की सेल हुई थी, तो अगर 281 की सेल हुई है तो आपने क्या एंट्री की होगी, कस्टमर टू सेल, ये होनी चाहिए थी, बट आपने कर दिया कस्टमर टू सेल और सेल में आपने डाल दिया 821, तो ये तो ठीक है, ये 21 आया है तो ऊपर कुछ ना कुछ सस्पेंस आया होगा। अब वो सस्पेंस हटाना है तो सस्पेंस को आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है जी, कस्टमर को आप डेबिट कर दोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट को आप डेबिट कर दोगे। अब इसमें ना इसके ये क्वेश्चन में तो आपकी मोस्टली गलती यही थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपने नहीं ओपन किया, ये नीचे भी हिंट था इस चीज का, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री इन वे सो एज टू शो द करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस करेक्टली, करंट ईयर में प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट हमने ओपन किया। फॉलोइंग एरर्स वर कमिटेड बाय अकाउंटेंट ऑफ हरी होम टॉयज, अब इसमें आपको ये बताना था कि अगर बिफोर प्रिपरेशन है तो सर बिफोर प्रिपरेशन में मैंने आपको बताया था दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है वन साइडेड और एक होता है टू साइडेड। टू साइडेड वाले में तो आप जनरल एंट्री करते हो, वन साइडेड वाले में आप क्या कहते हैं उसको, जो एक लाइन लिखते हो सिर्फ। अब जैसे ये था परचेज 1620 फ्रॉम एन कंपनी पास थ्रू सेल्स डे बुक, तो ये एक तरीके से टू साइडेड एरर है, आपको पूरा पता है क्या गलती हुई है, परचेज बुक की जगह आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, तो इसकी आपको पूरी एंट्री पास होनी थी जैसे हम करते हैं ये वाली एंट्री, लेकिन इसी में जो दूसरे वाला है क्रेडिट सेल ऑफ 1600 टू सोनी एंड कंपनी वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट, गलती कहां पर हुई है, सिर्फ उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, ये गलती हुई है, और जबकि उनके में डेबिट होना था, तो 1600 हमने उनके में गलती से क्रेडिट कर दिया जबकि हमें डेबिट करना था, तो अब मैं डेबिट कर दूंगा 3200 से, लेकिन एंट्री नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेबिट सोनी एंड कंपनी विद रुपीज 3200। ये तो लगभग सभी की गलत है, ये तो किसी की भी ठीक नहीं है, बताओ भाई इसका ध्यान रखना। अगर आपके पास ऐसी एंट्री आ रही है जिसमें सस्पेंस आना है, जैसे अगर आपके पास ये तो गलत ही था, अगर आपके पास ऐसी एंट्री आनी है जिसमें सस्पेंस आना है, क्योंकि अगर आप इसको जनरल एंट्री से करते तो आप इसको करते सोनी टू सस्पेंस,
तो सस्पेंस वाली नहीं होगी, अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो उसमें सिंपल सिंपल एक लाइन जाएगी। और हमें सोनी को डेबिट करना था इसीलिए सोनी को डेबिट कर दिया, वो भी डबल अमाउंट से। हाँ के ना बोलो। हाँ जी सर। यस सर। अब पता लगता है कि ट्रायल बैलेंस के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले, तो अब आपका सस्पेंस जाएगा। तो अब ये तो आप लोगों का चलो फिर भी ठीक था भाई, पहले वाली एंट्री में तो कोई चेंज ही नहीं है। अगर कोई एंट्री ऐसी है तो वो तो ऐसे ही रहेगी, आप जबरदस्ती थोड़ी सस्पेंस घुसा दोगे। खुशदीप, सस्पेंस तब आता है जब हमें पता नहीं होता कि हुआ क्या है। सर एक्चुअली ना तब मैं कंफ्यूजन में था कि सस्पेंस लिखूं या उनका नाम लिखूं, फिर मैंने सोचा सस्पेंस ही लिख दे। फिर भी आपने काफी हद तक ठीक करा। तो यहाँ पे अनुपम एंड कंपनी ही आएगा, जो टू साइडेड एरर है वो तो टू साइडेड एरर की तरह ही चलेगा। एक ऐसा एरर जिसमें आपको सब कुछ पता है, रेक्टिफिकेशन करेक्ट और रॉन्ग दोनों पता है, तो वो तो वैसे ही चलेगा। जबरदस्ती सस्पेंस अपने को नहीं खोलना है। और दूसरा, आपने ये सस्पेंस जैसे मैंने बोला था ना आपको, सोनी एंड कंपनी टू सस्पेंस, लेकिन एक सेकंड, शायद ये अमाउंट गलत है यहाँ पे। अमाउंट 32, हाँ अमाउंट 3200 आएगा। ठीक है जी। अब आफ्टर फाइनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, सेम एंट्री है, बस ये जो है जो भी नॉमिनल है आपके, वो नॉमिनल किस में बदल जाएंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट में बदल जाएंगे। तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू अनुपम एंड ये तो सेम रहेगा क्योंकि तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नॉमिनल होगा। बताइए क्लियर है जी, सब चले गए क्या अपने अपने घर? नहीं नहीं है, क्लियर है। द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज्ड। आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज्ड का मतलब है फाइनल अकाउंट भी बंद हो चुके हैं, उसके बाद पता लगा है। सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन इन ऑर्डर, सस्पेंस अकाउंट आपने किया है। पास एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन फॉर द नेक्स्ट इन द सब्सिक्वेंट ईयर बुक, वैसे तो ऊपर ही पता लग गया था कि पीएनएल एडजस्टमेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने और क्लियर कर दिया नीचे, फिर आपने यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं करा था आप लोगों ने। इसमें तो ठीक है, आप एक बार देख लेना इनको, मैं इसमें क्या सारी एंट्रीज तो नहीं बताऊंगा, आप देखोगे तो समझ जाओगे। अब इसने भी सब कुछ ठीक किया हुआ है, बस गड़बड़ क्या कर रहा है कि ये पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं लिख रहा, वरना खुशदीप का पेपर बढ़िया है, सबसे अच्छा पेपर इसी का था। एक तो प्रेजेंटेशन में बार बार बोल रहा हूँ सर, आपको आधे मार्क्स प्रेजेंटेशन के कट जाएंगे या मिल जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। राइटिंग तो अच्छी नहीं हो सकती सर, मेरी भी अच्छी नहीं है, सबकी अच्छी नहीं हो सकती, बट अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मुझे उसका ड्रॉबैक को कैसे पॉजिटिव में बदलना है वो देखना है। आंसर नंबर फोर्थ में भी सेम लफड़ा था, नेक्स्ट ईयर में पता लगा था तो भी आप लोगों ने वो नहीं खोला, क्या नाम है उसका, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बताइए किसी को कोई स्पेसिफिक कुछ पूछना हो इसमें? सर आपने सारे नेक्स्ट ईयर के दे दिए। बाय चांस की बात है, मैंने भी अभी देखा जब पेपर दे दिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया जिसमें तीनों लेवल थे, वो भी ठीक नहीं हुआ किसी का। फिर मौका मिलेगा आपको, इस संडे फिर टेस्ट होगा और उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद रेक्टिफिकेशन का ये लास्ट टेस्ट हो जाएगा, फिर इसका टेस्ट जब सारा चैप्टर कंप्लीट होगा तब होगा, तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके कर लेना। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बंद कर सकता हूँ? ओके सर। ओके जी। यस सर। थैंक यू। क्लास खत्म हो गई सर? हाँ जी खत्म हो गई। सब चले गए, बंद कर।